हाय गाइस, मैं हूँ रिया उपाध्याय। हाउ आर यू टू ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1st मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए हम अपना लेक्चर फर्स्ट शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। चलिए हम अपना लेक्चर फर्स्ट शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखिए। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी कोई मटेरियल किसी पार्टिकल्स से मिलकर बनाया है वो मैटर है, उसको साइंटिस्ट ने नेम दिया है मैटर। अब इसके एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे स्टोन। अब कोई स्टोन है यानी पत्थर है तो क्या वो मैटर है? यस, मैटर है। क्लाउड्स, पेन, पेपर वेट, टेबल, चेयर, ये सब मैटर है। स्टार्स, प्लैनेट्स, ETC, ये सब मैटर है। अब इसकी मैं एक और डेफिनेशन दिखाती हूँ आपको। जैसे ये पेपर है, पेपर है। अब पेपर पे मैंने इसको पेन को रख दिया, इस तरीके से पेन को रख दिया। अब इसने जितनी भी जगह कवर की है तो ये क्या है? मैटर है, मैटर है। हाँ, अब इस पर मैंने जैसे ये रख दिया, ये पेपर वेट है, मैंने पेपर पे पेपर वेट रख दिया। अब इसने जितनी भी जगह कवर की है तो वो क्या है? मैटर। चलिए अब हम इसके फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, हम तीनों आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैनी टाइनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पार्टिकल्स विच मेकअप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्टिकल्स विच मेकअप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मैटर के। अब इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, मैं तीनों आपको डिस्क्राइब करूँगी। फर्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। यानी जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, यानी कि जगह रहती है। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी कि जो ये अभी भी था कि उसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मैटर के पार्टिकल्स में, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। आपको अभी इतना समझ में आ गया मैटर की डेफिनेशन, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है रिजिड एंड सेकंड है फ्लूइड्स। अब रिजिड की डेफिनेशन देखिए आप। रिजिड मींस अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि रिजिड का सिंपल सा एग्जांपल है कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो चीज़ बेंड ना हो या मुड़े ना, तो यानी वो रिजिड है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है सॉलिड। कोई सॉलिड भी सॉलिड चीज़ जो बेंड नहीं होती, जैसे ये पेन है, पेन, इसको जब हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेंड हो रही है? नहीं हो रही है। तो यानी ये क्या है? रिजिड, रिजिड है, यस। अब नेक्स्ट है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। अब इसका मतलब है कि जो चीज़ बेंड हो जाए यानी फ्लो करे। अब जैसे वाटर है, वाटर फ्लो करता है, तो वो क्या है? फ्लूइड्स। अब जैसे ये देखिए, पेपर, पेपर, पेपर फोल्ड होता है, यस, पेपर फोल्ड होता है, देखो ये हो गया फोल्ड, तो यानी ये क्या है? फ्लूइड्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम आपको। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसके कितने पार्ट्स हैं ये देखिए। ऑल मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी मैटर के वो है, मैटर को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसियस स्टेट्स। अब हम पहला स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट। अब इसकी आप डेफिनेशन देखिए। अ सॉलिड इज दैट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। यानी कि जो सॉलिड होता है उसका मास, शेप एंड वॉल्यूम से डेफिनेट होता है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल्स देखिए आप, आइस, वुड, पेन, पेपर, पेन, टेबल, चेयर, ETC, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में है। अब इसकी आप प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव अ डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट मास रहता है और डेफिनेट वॉल्यूम रहती है। अब नेक्स्ट, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। यानी सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप रहता है।
नेक्स्ट सॉलिड है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड होता है उसकी जो जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वो बहुत ही कम कंप्रेस होता है। जैसे ये देखिए, इसको जब ये सॉलिड है तो जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये बहुत कम प्रेस हो रहा है, एक मिनट, बहुत कंप्रेस हो रहा है जिसको जब हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है नेग्लिजिबल। अब नेक्स्ट है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी जो जो सॉलिड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आएंगे, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। अब लिक्विड की आप डेफिनेशन देखिए, अ लिक्विड इज़ अ स्टेट ऑफ ए मैटर विच हैज़ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, यानी कि जो लिक्विड है उसका डेफिनेट मास रहता है और वॉल्यूम रहती है बट उसका डेफिनेट शेप नहीं रहता। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, मिल्क, वाटर, मरकरी जो थर्मामीटर में रहती है ना, जिससे आपको टेम्परेचर पता चलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होती है। नेक्स्ट अल्कोहल, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड हैव अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, जो लिक्विड होता है उसका डेफिनेट मास और वॉल्यूम होता है। अब नेक्स्ट है लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, तो जो लिक्विड होता है उसका डेफिनेट शेप नहीं होता, उसका कोई भी, जैसे आप वाटर को जैसे किसी भी चीज़ में भर दें, जैसे बॉटल में आपने लिक्विड भरा यानी वाटर भरा, तो जो वाटर है वो उसी का शेप ले लेगा, किसका शेप ले लेगा, बॉटल का। अब जैसे आपने उसको नीचे फैला दिया, वाटर नीचे गया, फैल गया गलती से, तो जो फैलेगा तो वो लिक्विड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबिलिटी देन दैट ऑफ सॉलिड्स, यानी जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी है यानी वो सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे आप एक पिस्टन लीजिए, पिस्टन उसको इसमें थोड़ा सा लिक्विड भर लीजिए, कोई भी पानी भर लीजिए, अब उसको आगे से बंद करके फिर जब आप उसको पुश करेंगे तो वो थोड़ा सा पुश हो जाएगा, लेकिन सॉलिड होगा वो बिल्कुल भी पुश नहीं होगा। नेक्स्ट है जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इन लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड, जो डेंसिटी होती है सॉलिड से ज़्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है लिक्विड की, ठीक है। अब नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी जो उनकी लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड से कम होती है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं सॉलिड से, सॉलिड के बिल्कुल पास में रहते हैं, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, अब हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। अब आप गैसेस की डेफिनेशन देखिए, अ गैस इज अ स्टेट ऑफ ए मैटर विच हैज़ डेफिनेट मास बट नॉट डेफिनेट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जो गैस में होते हैं, गैस का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन उसका डेफिनेट मास होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, गैसेस के। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी अ गैस कंटेंड इन अ वेसल हैज़ अ डेफिनेट मास, जो गैस होता है उसका डेफिनेट मास होता है। नेक्स्ट है गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जो गैस होता है गैस उसका ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गैस हैव अ हाईली कंप्रेसिबिलिटी, जो गैस होते हैं उसको जब आप प्रेस करते हैं, जैसे उसी का एग्जांपल लीजिए पिस्टन का, जब आप पिस्टन को आगे से बंद करेंगे और जो उसमें गैस होगी जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा प्रेस होगा, ठीक है। अब जो गैस है उसकी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड और लिक्विड उनसे दोनों से अलग है। अब सॉलिड और लिक्विड की थोड़ी मिलती जुलती थी लेकिन इसकी नहीं है, इसकी बिल्कुल अलग है। अब नेक्स्ट देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, एक मिनट, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी गैस की वो बहुत कम होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे सॉलिड में बहुत पास पास रहते थे, अब लिक्विड में थोड़े से दूर रहते हैं, लेकिन गैस में वो बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसका लास्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड एंड हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर सो एक्सक्रीट प्रेशर। अब जैसे आपने बलून में हवा भरी, ठीक है, या किसी कंटेनर में हवा है,
तो उसके पार्टिकल्स बहुत स्पीड से, बहुत प्रेशर के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, बहुत प्रेशर के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इंटरकन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसके लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू।